दिनेश पादनीस यानी फ्रेडरिक्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त फ्रेडरिक्स ने सीआईडी टीम से जो आखिरी रिक्वेस्ट की वो सुनकर सभी की आंखें भर आईं। आखिर फ्रेडरिक्स के वो लास्ट वर्ड्स क्या थे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोग्राफीज केव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीआईडी में फ्रेडरिक्स का रोल करने वाले दिनेश पादनीस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनकी इस तरह अचानक मौत ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है, खासकर सीआईडी टीम और इनकी फैमिली को। जब फ्रेडरिक्स अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने सभी क्लोज फ्रेंड्स यानी सीआईडी की पूरी टीम को ये रिक्वेस्ट की कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। इनकी बेटी बहुत छोटी है, वो जाने से पहले अपनी फैमिली को लेकर बेहद परेशान थे। फ्रेडरिक्स ने सीआईडी सीरियल से बहुत ज़्यादा नाम कमाया और इसी के साथ इन्होंने जाने से पहले एक और डिसीजन भी लिया कि इनकी प्रॉपर्टी में से अनाथ बच्चों के लिए स्कूल भी खोला जाए ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। फ्रेडरिक्स के इस फैसले ने सबको बहुत रुलाया कि वो जाते जाते भी अपने चाहने वालों के बारे में सोच रहे थे। इंस्पेक्टर दयानंद शेट्टी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि फ्रेडरिक्स अपनी रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे इंसान थे। इन्हें दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था और इन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि इनका सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दयानंद शेट्टी ने इस मौके पर सबसे रिक्वेस्ट की कि दिनेश पादनीस के लिए प्रार्थना करें और साथ ही इनकी फैमिली के लिए भी प्रे करें, क्योंकि इनकी बेटी और पत्नी इस वक्त काफ़ी शौक में हैं। इन्हें इस शौक से बाहर आने में काफ़ी समय लगेगा। हम आशा करते हैं कि वो जल्द ही इस दुख को सह सकें और फ्रेडरिक्स के लिए ढेर सारी प्रार्थना भी करते हैं। तो दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में फ्रेडी के लिए प्रेयर लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अगर आप फ्रेडिक्स के फ़ैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।